तो दोस्तों शाहरुख खान की साल 2023 में हमें दो फिल्में देखने को मिल चुकी हैं 25 जनवरी को रिलीज हुई थी फिल्म पठान और उसके बाद 7 सितंबर को शाहरुख खान नजर आए थे हमें फिल्म जवान में ऐसे में दोस्तों साल 2023 की शाहरुख खान की तीसरी फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देने को तैयार है ऐसे में दोस्तों आज है शाहरुख खान का बर्थडे और शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर हमें देखने को मिलने वाला है डंकी का फर्स्ट गिल्म जिसे की दोस्तों डंकी टीजर या फिर डंकी ड्रॉप के नाम से रिलीज किया जाना है और इस फिफ्टी एट के फर्स्ट गिल्म वीडियो में हमें शाहरुख खान देखने को मिलने वाले हैं जल्दी दोस्तों कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद हमें टंकी का फर्स्ट टीजर देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ दोस्तों पहली बार है जब राजकुमार हिरानी की किसी फिल्म में में हमें शाहरुख खान देखने को मिलेंगे ऐसे दोस्तों राजकुमार हिरानी की फिल्मों ने 200 और 300 करोड़ के क्लब की शुरुआत की थी तो वहीं शाहरुख खान फिल्म पठान और जवान से 400, 500 और 600 करोड़ के क्लब की शुरुआत बॉलीवुड में कर चुके हैं ऐसे में दोस्तों अब इन दोनों का जब कोलेबरेशन देखने को मिलेगा डंकी में तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आखिर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 700 और 800 करोड़ का क्लब ओपन कर पाती है या फिर नहीं वैसे दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे हजार हजार करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है ऐसे में दोस्तों शाहरुख खान डंकी के जरिए हैट्रिक लगाने को तैयार है तो दोस्तों, डंकी के ऑफिशियल टीजर और इस फिल्म को लेकर आप भी एक्साइटेड है यानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही आप भी शाहरुख खान के फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें